हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए आज मैं कंपोस्ट बनाने का एक और तरीका आप लोग से दिखा रहे हैं। देखिए, ये ऐसे तो मेरा सारा कंपोस्ट ही है, ये मटका कंपोस्ट, ये बोरी कंपोस्ट, ये देखिए छोटा छोटा ग्रो बैग कंपोस्ट। आज भी मैं बहुत सारा लेकर आई हूँ। देखिए, इस तरह का भुजिया का पैकेट आता है, ये सभी के घर में आता है, जैसे सर्फ का पैकेट है, सब जो टब ये सब लेती हूँ उसी सब का है, बहुत बड़ा बड़ा है। जैसे हॉर्न के लिए आम की लकड़ियाँ आती हैं, तो ये भी काफ़ी मजबूत होता है। इसी तरह भी आप अपना कंपोस्ट को सेव रखिए। बस उसी के चलते मैं दिखा देती हूँ, इसलिए दिखाते हैं कि आप लोग के घर भी आए ये सब, तो आप लोग फेंकिए मत इसको कंपोस्ट बना के। रेनी सीजन में दिक्कत हो तो हटा दीजिए, लेकिन अभी समर में विंटर में आप बना सकते हैं इन सब के पैकेट में। और मैं तो बनाते ही रहती हूँ। देखिए, जो भी आटा का थैली आता है उसमें ज़रूर बना देती हूँ। और पहले चलिए अपडेट दिखा देते हैं। और देखिए, ये सब मेरा कंपोस्ट ही है, ये सब मैं दीपावली के टाइम में बुक का बनाई हूँ। देखिए, सारा मेरा बुक का कंपोस्ट है। और ये सब मेरा जो भी आप लोग देख रहे हैं ये सब कंपोस्ट में ही है। देखिए, एक दिन मैं ये लहसुन ये सब डाल के दिखाई थी, देखिए लहसुन ग्रो भी हो गया। इधर पोई लगा हुआ है, टमाटर है, देखिए। और इसी कंपोस्ट में ये सब फरते रहता है छोटा मोटा। देखिए, सारा कंपोस्ट है, जितना भी मेरा घर में बेस्ट चीज़ होती है सबकी मैं यूज करती हूँ। देखिए, ये बाल्टी है, बकेट, और देखिए टब, सब ये सर्फ में ही खरीदी हूँ, सब उसी में लगा हुआ है मेरा पूरा। ये जैसे फ्रूट आता है, ये शादी उदी में पार्टी उटी में ज़्यादा फ्रूट ये सब आता है, वही कंटेनर है। देखिए, ये आम आया था, मैं दिखाई थी समर में आम का पेटी आता है तो उसमें आया था ये। और देखिए, सारा मेरा वही सब है, उसी सब में लगाती हूँ। और चलिए आज एक तरीका और भी करके दिखाती हूँ मैं। आज मेरा एक पॉट खाली हुआ था तो मैं सोची कि इसमें भी आप लोग को दिखा दें। देखिए, किसी तरह का भी इसमें कोई भी कंकड़ पत्थर, और देखिए DIY जो बनाई थी वही है। चलिए, इसमें एक दिया दिखा मुझे, तो इसको दिया से कवर कर देती हूँ। और बिल्कुल आसान तरीके से बनाऊँगी। देखिए, आप कार्डबोर्ड है या घर में पेपर है, मेरे घर तो बहुत ज़्यादा ये सब निकलता है, बच्चे पढ़ते हैं तो सभी के घर बच्चे पढ़ते हैं। और देखिए, इस सब में भी मैं बहुत सारा जितना तिलकुट उलकुट का पैकेट आया था सब मैं फाड़ के डाली हूँ। देखिए, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो टाइम हो अभी, तो अगर मैं फाड़ने लगूंगी तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए, मैं छोटा सा दिखा दे रहे हैं, कागज़ को मैं नीचे डाल दे रही हूँ। देखिए, बहुत छोटा वीडियो बनाऊँगी, पूरा देखिएगा। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आजकल ये सभी के घर में बहुत ज़्यादा निकलता है, तो इस सब चीज़ों को ज़रूर यूज कीजिए। देखिए, और ये थोड़ा सा मैं मिट्टी पहले डाल दे रही हूँ इसमें, जिससे ये काफ़ी अच्छा डिकम्पोज होगा। देखिए, चाय पत्ती है, तो ये सब मैं डाल दे रही हूँ। ये सब कंपोस्ट को डिकम्पोज करने में बहुत मदद करेगा। देखिए, मैं ऐसे कंपोस्ट लगाती हूँ तो उसमें मैं ज़रूर कुछ ऊपर से, देखिए ये सब मेरा कंपोस्ट है, एक एक दो दो दिन का निकला हुआ कंपोस्ट है, उसको कवर करके। देखिए, इसका अपडेट यहीं पर है। देखिए, बस मैं इसको ढाँकी हूँ और ऊपर से थोड़ा सा डाल दी हूँ, जिससे ये देखने में ख़राब ना लगे या बारिश वरिश आए तो इसका मिट्टी ना धुल जाए, इसलिए मैं डाल देती हूँ कि बैठते जाएगा अगर इसमें मैं कुछ लगाऊँगी तो। और सीजन आने पर सब मैं निकाल लेती हूँ, सारे मेरे कंपोस्ट हैं। देखिए, एक भी बॉटल सीसी ऐसा नहीं है जिसमें मेरे कंपोस्ट नहीं है। इसमें भी मैं मटर के छील के हर हफ्ते जैसे छील लेती हूँ एक ही बार। और देखिए, सब दिख रहे हैं, नीचे से आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए, बस ये धनिया ऊपर ग्रो हो जाएगा, हटा लूँगी, फिर इस कंपोस्ट को कहीं डाल दूँगी। ये डब्बा भी गल जाएगा, इसको भी कंपोस्ट बना दूँगी। देखिए, इस तरह का फ्लावर, तो अगर चाहें तो आप फ्लावर को, अभी तो सीड इसमें नहीं बना है, लेकिन इस तरह का फ्लावर को डालने के बाद फ्लावर भी निकल जाता है, जैसे वाइट मेरीगोल्ड है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दे रही हूँ, हो सकता है कि इसमें चल जाए। और ये तो कंपोस्ट बना रही हूँ, तो देखिए कैसे बनाऊँगी। अब ये जितने भी बेकार मटेरियल है, देखिए अभी ब्रोकली का ये सब बहुत ज़्यादा, मैं साफ़ सफाई करती हूँ तो गार्डन में भी निकल रहा है। देखिए, इस तरह डालिए और फिर थोड़ा सा मिट्टी का लेयर डालिए। देखिए, अब इसके बाद देखिए ये मेरे घर बहुत ज़्यादा निकलता है, तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। देखिए, ये लेडी फिंगर है, जितना भी गाजर, ये देखिए सब अगरबत्ती का पैकेट, मैं कुछ भी नहीं फेंकती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक कच्ची केरी है,
बहुत सारा चीज़ है इसमें, देखिए बनाना है, जो कच्चा केला आता है सब्जी के लिए उसको भी मैं डाल देती हूँ। देखिए तो मेरे पास ये बहुत स्टोर हो गया है, तो कुछ को मैं इसमें भी रख दूँगी। जितना भी पूजा का फूल होता है, अब रोज़ रोज़ नदी तालाब कौन जाएगा हमाने के लिए, तो मैं इसी में डाल देती हूँ और मेरा सभी यूज हो जाता है। उतना के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ता है, तब जाके, पहले मैं सब नदी में दहवा देती थी, लेकिन अब मैं इसी में रखती हूँ। देखिए जितना भी अगरबत्ती का पैकेट, माचिस का पैकेट, जो भी होता है मैं सब डाल देती हूँ। देखिए ऐसे करके ढक देती हूँ, और आप लोग भी इसी तरह बनाइए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोग को। ये मेरा लगभग 10वां या 15वां वीडियो होगा जो कंपोस्ट का, मैं पूरे चैनल पर कंपोस्ट का वीडियो भर दी हूँ। और भर क्या दी हूँ, मेरा जब कंपोस्ट में ही गार्डनिंग होता है तो मुझे लगाना पड़ता है। देखिए आज काटे हैं तो ये भी लेते आई हूँ। रोज़ रोज़ का कंपोस्ट और 2-3 दिन का स्टोर करती हूँ और ला के लगा देती हूँ। देखिए ये पोटैटो में काफ़ी पोटेशियम मिलता है इसके छिलके में, तो इसका छिलका के साथ ही सब्जी बनाना चाहिए, लेकिन बच्चे लोग नहीं खाते हैं इसलिए छीलना पड़ता है। तो देखिए ऐसे नहीं तो वैसे करके इस मिट्टी में जो भी हम लगाएंगे, देखिए इसको ढक दीजिए। तो मेरा एक तरीका है, लेकिन अभी मैं कुछ भी लेके नहीं आऊँगी, नहीं आई हूँ। इसमें भी धनिया या कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए बस मैं ढक दूँगी इसको ऐसे, और मेरा ये कंपोस्ट बनकर रेडी हो गया। दो तीन महीने आप रख सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं रखती हूँ। मैं जैसे ही मेरा कुछ खाली होता है उसमें पलट देती हूँ। और आप ऐसे ढक के रख सकते हैं, इस पर गुड़, दही, कुछ भी डाल सकते हैं। और देखिए मेरा इसमें बहुत सारा अभी लिक्विड बना हुआ है, और ये सब लिक्विड का ही बॉटल है। देखिए मैं अभी आप लोग को दिखा रही हूँ, देखिए इधर दही का बॉटल है, उसका पानी ले कर थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी तो बहुत जल्दी डिकम्पोज होगा। और ऐसे कर करके आप लेयर बनाते रहिए। अभी एक पॉट खाली था तो मैं सोची कि पॉट में भी बना के दिखा दूँ। जो लोग जैसे बालकनी में गार्डनिंग करते हैं तो बालकनी में आप इस तरह का बोरे बोरी अच्छा नहीं लगता है, तो इस तरह कंपोस्ट ढक के रख सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर मिट्टी के पॉट या मिट्टी के गमले में आप बनाते हैं तो आप बालकनी में आराम से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। बस उसको ऐसे ढक के रखना होगा आपको, मिट्टी का लेयर बना के। और आप चाहें तो इसके ऊपर देखिए धनिया है, धनिया ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनके लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। फ्लैट वाले लोग को बहुत दिक्कत लगता है कि मेरा जगह नहीं है, तो मेरा टेरिस नहीं है, तो मेरा अगर अपार्टमेंट में रहते हैं तो मेरा पर्सनल टेरिस नहीं है, ये सब बोलते हैं ना, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ये बहुत अच्छा है देखिए। और आप यकीन मानिए, ना एक मच्छर आएगा और ना ही इसमें कोई मक्खी आएगी। और देखिए कितना बढ़िया, लेकिन मिट्टी का लेयर बनाइए। और अगर ओनियन पिल्स और गार्लिक पिल्स आप डालते हैं तो ये फंगीसाइड का भी काम करता है। तो बहुत अच्छा वीडियो बन के बहुत अच्छा कंपोस्ट बन के रेडी होगा। फ्रेंड्स मैं बहुत लेट कर लेती हूँ अपने खाने पीने का, इसलिए बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो बहुत ही हो जाता है। इस तरह करके आप, बहुत लोग छोटे छोटे फैमिली हैं तो उनको कम कंपोस्ट निकलता है, तो इस तरह आप रोज़ का कंपोस्ट डालिए और बस ऊपर से इस तरह डालिए और फिर इस पर से मिट्टी का लेयर डाल दीजिए। बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब ये तो मैं ढक दी, अब दूसरा मैं बनाऊंगी देखिए। और इसमें भी सेम प्रोसेस है, और ये नहीं कि इसमें बनाऊंगी तो अलग तरीका, मेरा सेम तरीका रहता है। और देखिए स्टेपलर भी लाए हैं, बाद में स्टेपलर से अच्छे से ये कर दूंगी। देखिए ये सब मैं कंपोस्ट बनाने के लिए ही लाई हूँ, क्योंकि अभी मेरे घर बहुत ज़्यादा निकलता है और हर हफ्ते का मैं बना लेती हूँ। और देखिए ये लेकर आई हूँ स्टेपलर, लेकिन ये ठक से नहीं करके दिखाऊंगी, जब अस्थिर हो जाऊंगी तो इस तरह इसको मोड़ूंगी और इसमें भी सेम करके बनाऊंगी। तो आप लोग भी ऐसे बनाइए। और ये नहीं कि मिट्टी के पॉट में ही, प्लास्टिक पॉट में भी बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी के पॉट में ये है कि अगर आप बालकनी में रहते हैं तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगा, आप यकीन मानिए। ऊपर से थोड़ा सा भी आप अपना मेथी लगा सकते हैं, एक दिन इसको पानी में डालिए। अभी मैं कुछ भी लेकर नहीं आई हूँ और बहुत देर से टेरिस पे काम कर रही हूँ, इसलिए फिर जाना भी नहीं चाहती हूँ। देखिए इस तरह का प्याज मिलता है, 20-20 का एक बंडल आता है, वो भी आप लेके इसमें ऊपर लगा सकते हैं। जब तक वो प्याज का जड़ नीचे जाएगा तब तक ही कंपोस्ट बन जाएगा। तो अगर मेरे तरह आप लोग कंपोस्ट बना के करते हैं, और आप यकीन मानिए इससे बिल्कुल भी कुछ नहीं निकलने वाला है। और पानी बस कम डालिएगा, पानी कम डालिएगा तो नीचे से कुछ निकलेगा ही नहीं, आपका डिकम्पोज होते जाएगा। और अगर धनिया आप लगाते हैं तो ऊपर ही
इस तरह पानी लेके स्प्रे कर दीजिए बस, और ज़्यादा करने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि नीचे तो खुद डिकम्पोज होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरा वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरा चैनल को, और चैनल पर बने रहिए। तो इस तरह का मैं काफ़ी DIY आप लोग से बनाऊँ दिखाऊँगी, और बहुत मेहनत करती हूँ फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।